आप देख रहे हैं न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। गया जिले के खिजर सराय प्रखंड स्थित जीविका दीदी केंद्र में स्वावलंबन प्रमाण पत्र वितरण समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें 29 सतत जीविकोपार्जन योजना लाभार्थियों को स्वावलंबन प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। इस अवसर पर जिला परियोजना प्रबंधक आचार्य मम्मट ने SJY दीदियों को निर्धनता से आत्मनिर्भरता एवं स्वावलंबन की ओर कदम बढ़ाने के लिए शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि आप योजना से मिले रोजगार को बढ़ाते हुए स्वावलंबी बनी रहेंगी। आप अपनी आर्थिक स्थिति को और बेहतर करने का प्रयास करेंगी। प्रखंड विकास पदाधिकारी खेजर सराय कुमारी सुमन ने SJY दीदियों को रोजगार बढ़ाने के साथ साथ बच्चों को पढ़ाने की अपील की। उन्होंने कहा कि आप बच्चों को स्कूल जरूर भेजें, बच्चे पढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे, तभी आपका पूरा विकास हो सकेगा। प्रबंधक कृषि कौटल्य कुमार ने उनसे कहा कि यदि आप बकरी पालन कर रही हैं तो सिर्फ वही नहीं करें, साथ साथ अन्य आय के साधन वाले रोजगार भी करें। अपने घर के आसपास साग सब्जी की खेती करें, मुर्गी पालन करें, मशरूम उगाएं। छोटे छोटे प्रयासों से आप अपनी आय बढ़ा सकती हैं। प्रबंधक संचार दिनेश ने उनसे कहा कि आप बीमारियों से बचाव के लिए स्वच्छता अपनाएं, बच्चों को जरूर पढ़ाएं और छोटी छोटी बचत कर अपने व्यवसाय को बड़ा करने का प्रयास करें कि तभी आपका विकास होगा। BPM पंकज कुमार ने कई दीदियों के उदाहरण प्रस्तुत किए जिन्होंने अपना जीवन बदला है। उन्होंने आयोजन में भाग लेने के लिए सभी का धन्यवाद किया। कार्यक्रम में जिला एवं प्रखंड के अधिकारियों सहित जीविका के प्रखंड स्तरीय कर्मियों एवं कैडर ने भी भाग लिया। बंधन के BRP भी कार्यक्रम में उपस्थित थे। इस स्वावलंबन प्रमाण पत्र वितरण समारोह में उपस्थित SJY दीदियों ने में कोई किराना श्रृंगार नाश्ता दुकान बकरी पालन गया पालन आदि का व्यवसाय कर रही है। इन्हें गरीबी उन्मूलन के लिए बिहार सरकार द्वारा चलाई गई महत्वाकांक्षी योजना सतत जीविकोपार्जन योजना के माध्यम से रोजगार से जोड़ा गया है। सतत जीविकोपार्जन योजना को जीविका के माध्यम से संचालित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य अत्यधिक गरीब परिवारों को सतत आय का सृजन करने वाली परिसंपत्ति प्रदान करना है। योजना देसी शराब और ताड़ी के उत्पादन तथा बिक्री में पारंपरिक रूप से जुड़े परिवारों जिनकी राज्य में शराबबंदी के बाद आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई है के लिए शुरू की गई है। इसके तहत अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति और अन्य समुदायों के लिए लक्षित अत्यंत निर्धन परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान कर रोजगार से जोड़ा जाता है। योजना के माध्यम से निर्धन परिवारों की महिलाओं को चिन्हित कर रोजगार से जोड़ा गया है, जिससे उनके परिवारों का आर्थिक स्थिति मजबूत हो रही है। इसके साथ ही यह एक महत्वपूर्ण कदम भी है जीविका योजना के उद्देश्य की दिशा में, जो ग्रामीण महिलाओं को स्वायत्तता और आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ाने का प्रयास कर रही है। देखिए मंच पर बैठे हुए हमारी हमारे सरकारी प्रक्रिया जी एवं जिला से आए हुए अन्य पदाधिकारी, इस प्रखंड के सभी हमारे BPM साहब सभी कर्मीगण और इस प्रखंड के अन्य जो कैडर हैं सभी लोग का अभिवादन करते हैं। आप लोगों ने बहुत ही अच्छा काम किया है। सतत जीविकोपार्जन योजना एक बहुत बड़ा सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है, जिसका संचालन पूरे पारदर्शिता के साथ किया जाना अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क है, बहुत चैलेंजिंग टास्क है। इस टास्क को करने में भूल चूक होने की संभावना बहुत अधिक। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस। नमस्कार।